चैनल में स्वागत है। आज मैं छोटी की किचन से नई रेसिपी लेके आई हूँ पनीर की, जिसमें मैं पनीर कोरमा की सब्जी की रेसिपी बनाऊंगी, जो बहुत ही टेस्टी है, बनाने में आसान है, सभी को बहुत पसंद आएगी। वीडियो अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं पनीर कोरमा की रेसिपी बनाने का तरीका। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पनीर लिया 250 ग्राम, इसको मैंने मोटा मोटा चॉप करके काट लिया है। ये मैंने 2 चम्मच दही लिया है, लगभग 100 ग्राम है, खट्टा नहीं है, ताज़ा दही है। अब इसको हम फेंट लेते हैं। ये दही को मैंने फेंट लिया है। अब हम इसमें मसाले मिलाते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। और जो मैंने पनीर के स्लाइस काट के रखी है, इनको मिला देते हैं इसमें। अब इसको आराम से मिलाएंगे ताकि पनीर की स्लाइस हमारी टूटे नहीं। अब मैंने इन सभी चीज़ों को मिला के रख दिया, इसको अब हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करके रख लेते हैं। ये मैंने 3 प्याज लिए थे, इनकी स्लाइस काट के रख लिए। इधर 1 चम्मच तेल गर्म हो गया सरसों का। अब इसमें हम प्याज को डालेंगे। प्याज भुन चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए। प्याज को प्लेट में निकाल लिया, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम पनीर कोरमा के लिए मैंने ये खरबूजे के बीज लिए हैं, ये काजू थे, 2-4 से 5 काजू थे। ये मैं इनको मैंने दोनों चीज़ों को 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आप इसमें खसखस भी डाल सकते हो। प्याज ठंडे हो चुके हैं, अब हम मिक्सी के जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब मैं जार में इनको डाल दूँगी। अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। प्याज का मैंने पेस्ट बना के रख लिया है, अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। अब मैंने कढ़ाई में घी डाला है 1.5 चम्मच, इसकी सब्जी घी में अच्छी बनती है। अब घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा। ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं, अब हम इसको डाल देंगे। अब ये मसाले अच्छी तरह भुन चुके हैं, अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे, प्याज का पेस्ट बना के रखा है उसको। अब इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छी तरह। गैस की फ्लेम हाई रहने दें। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर मिला रही हूँ इसमें, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी। आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो। अब इसको हम ढक के रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, अच्छी तरह उबाल आ जाए इसमें। अब ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। ग्रेवी अच्छी तरह पक चुकी है। अब हम इसमें दही में मसाले और पनीर डाल के रखा था, इसको डाल देंगे हम। गैस को तेज कर देंगे और इसको आराम आराम से मिलाएंगे। अब इसमें हम नमक डाल दें टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो हमने प्याज की ग्रेवी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग नमक डालेंगे इसमें। मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ, इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें मैं 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छी तरह इसमें उबाल आ जाए, दही और पनीर और मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, उसके लिए ढक के रख देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए और गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं, 4 से 5 मिनट हो गई हैं। देखिए सब्जी अच्छी तरह बन चुकी है। अब इसको हम खुले में पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे इसमें। देखिए सब्जी अब बन चुकी है हमारी, पनीर कोरमा की सब्जी बनके तैयार है। गैस को बंद कर देंगे, इसकी ग्रेवी थिक ही रहती है। अब इसको हम सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेते हैं। पनीर कोरमा की सब्जी बनके तैयार है, ये बड़ी स्वादिष्ट है, सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इसे पूड़ी, पराठे, चावल, नान के साथ खा सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।